तो जिंदा सेब देखा भाई कभी किसी ने? फैजल भाई जिंदा सेब देखा कभी? ये क्या है? इसका लाला है, इसको लाला बोलती है। बट ये ना मिले तो समझो खत्म बंदा, टोटली खत्म। पीछे क्या किया लोगों ने भाई? टायर ही पंचर कर दिया इसको। उन्होंने सुआ मारा तो पूरा टायर ही बैठ गया भाई। अब पता नहीं सुआ किस साइड मारा हुआ है। ये हाल है कश्मीर पुलिस का। इसलिए क्राइम ज्यादा क्योंकि भाई यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? तो आई होप सो कि आप सब ठीक हो। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका। मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो आज की व्लॉग की शुरुआत देख रहे हो कहाँ से हो रही है भाई? ये जहाँ पे मैं रुका हूँ ना, तो उन्हीं का बाग है छोटा सा। सो मैंने सोचा कि यार आज व्लॉग की शुरुआत बाग से करते हैं। सो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो मेरे एक फ्रेंड का डायलॉग है भाई, वो बोलता है कभी कुछ चीज़ बोलनी हो ना तो वो ये चीज़ बोलता है, कभी जिंदा चीज़ देखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। जिंदा सेब दिखाता हूँ आज आपको। ये देख रहे हो, ये अपना जिंदा सेब। यानी इसके ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह हुई है कि नहीं हुई है? आई थिंक सो कोटिंग वगैरह हुई है यार। तो फिलहाल इसको थोड़ा साफ करते हैं यहाँ से, जैसे बॉल साफ करते हैं ना वैसे साफ करते हैं। इसके एक ये तो पक चुका है यार, 60% तो पक चुका है यार ये तो। हाय हाय, तो जिंदा सेब देखा भाई कभी किसी ने? फैजल भाई जिंदा सेब देखा कभी? बात कुछ ऐसे है कि अच्छा सेकेंड डे, सो गेट करते हैं ओपन, देन चलो भाई। ये देख रहे हो अपनी थार की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है भाई। इतने ज़्यादा डस्ट है ना, इतना ज़्यादा गंद हो चुका है, कोई हिसाब ही नहीं है। इसको पहले वॉश कराऊँ, ठीक है? पीछे देख रहे हो, ओ माय गॉड, सो ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो इसको फर्स्टली ना वॉश करवाएंगे यार। सो यहाँ बता रहे हैं कि आगे एक सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ जाके पहले वॉश करवाते हैं, देन उसके पास भी देखते हैं कि भाई नेक्स्ट प्लान क्या है भाई। अपनी गाड़ी वॉश होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी। मैंने कहा था यार बाहर से वॉश कर दो क्योंकि अंदर करवाने का फ़ायदा कोई नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ना है। तो फिलहाल बाहर से ना इसको पूरा फुल वॉश करवाते हैं, देन वॉश करवाने के बाद देख रहे हो अब ना अब करेगी गाड़ी ना शाइन थोड़ी बहुत। गैस हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है। फिलहाल मैंने ये नंबर प्लेट लगवा दी है यहाँ पे कुछ देर के लिए, जब तक सिटी तक नहीं निकले। जैसे सिटी निकलेंगे ना तो वैसे ही उठानी पड़ेगी क्योंकि सिटी में चलान वाला हो सकता है। तो फिलहाल गाड़ी टोटली वॉश हो चुकी है, अभी निकलते हैं रूम की तरफ, वहाँ से रेडी होते हैं फिर निकलते हैं यार किसी और डेस्टिनेशन पर। फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं अपनी लोकेशन से। सो मैंने अपना GoPro ना होल्ड करके रख दिया आगे क्योंकि फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए भाई कैमरा लगाया हमने यहाँ फ्रंट पे। सो अब यहीं से हर चीज़ यहीं से कैप्चर होगी भाई। ये रहा अपना कश्मीर का फर्स्ट टोल। बानिहाल टनल क्रॉस करने के बाद ना सो ये वाला टोल आता है, इससे पहले और कोई टोल नहीं है। यहाँ से टोल क्रॉस करो सो हम बेसिकली जो प्रॉपर कश्मीर है ना उसके अंदर एंटर कर देते हैं। अब हमारे पास स्कैनर है तो भाई स्कैनर में स्कैन हो जाएंगे और हमें मैसेज आ जाएगा कि कट गया भाई मेरा, कुछ जल्दी कट गया ना। वैसे भाई ये दिक्कत है कश्मीर के अंदर, जब भी कानवाई आती है ना, देख रहे हो अभी आई है एम्बुलेंस। सो चलो एम्बुलेंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते रहते। सो अभी कानवाई पता नहीं कहाँ पे होगी और पता नहीं गाड़ियाँ अभी पता नहीं किस जगह पे होगी, तो एक घंटे आधे घंटे पहले ना ये गाड़ी को रुकवाना शुरू कर देते हैं यार। अभी देख रहे हो पीछे कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, 15 मिनट तो हो गए खड़े हुए, तो पता नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से एक पुल टर्न करना पड़ता है, सो अगर आपको डल लेकर से जाना है ना इस साइड टर्न हो जाओ। सो अभी फिलहाल 3-4 साल से ना कंटिन्यूसली देख रहा हूँ भाई इस जगह काम चल रहा है भाई। सो गाइस सोचा कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले बहुत कम मिल रहे थे, बट ये देख रहे हो एक्चुअली भाई यहाँ पे भी जम्मू वाला हाल ही है। तो ट्रैफिक वाले स्टंटबाजी को टोटली बैन कर चुके हैं। सो यहाँ पे भी स्टंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, अगर कोई स्टंट करता पकड़ा जाता है तो बाइक सीज कर देते हैं भाई। सो फिलहाल यहाँ पे उतनी स्ट्रिक्टनेस हो रही है जितनी जम्मू में हो रही है, सो मैं सोचा कि जम्मू में ज़्यादा हो रही है। ये अपना डल लेक वाली साइड आ चुके हैं अभी हम। सो वहाँ से निकले हमें काफ़ी देर हो गई है, बट ये कि रास्ते में ना आपको पता कि रुकवाते हैं यार, बहुत गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। तो प्लान बन चुका है कि हम ना डल गेट में शाम को जाएंगे, फिलहाल अभी जा रहे हम अहरबल। सो वहाँ जाना है क्योंकि बोले कि वहीं जाते हैं, वहाँ पे व्यू अच्छा है, साथ में ना मजा आने वाला काफी ज्यादा। सो चलते हैं सीधा अपना अहरबल, तो जाके वहाँ बताते हैं कि व्यू किस हिसाब से है। इसके लाले के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हाय करो दाय, हाय करो, आई थिंक सो की हाय कर दिया। ये देख रहे क्यूट सी परी, इतनी गर्मी है बाहर आज, पता नहीं क्या दिक्कत है कश्मीर में काफी ज्यादा गर्मी है। इसको ये ब्लैंकेट इतना ज्यादा प्यारा है ना, और इसने इसका नाम रखा लाला। क्या नाम है इसका? ये क्या है? इसका लाला है, इसको लाला बोलती है। बट ये ना मिले तो समझो खत्म बंदा, टोटली खत्म। ये रो रो के इतनी बुरी हालत करती है ना, देखो इधर, ये मेरा लाला है, ये मेरा लाला है, छोड़ो इसको लाला। मतलब ये इसकी ना जान है, बता है। मुझे छोड़ सकती है पर इसको लाला को नहीं छोड़ सकती है। तो जिस जगह जाना था वहां का मूड था, बट ये है कि कुछ रीजनिंग कारण ना वो मूड कैंसिल हो गया, सो हम लोग वहाँ नहीं आए। सो हम लोग आ चुके हैं एक मस्त वाले पार्क में। सो मैं आपको पार्क दिखाता हूँ कि कौन सा वाला पार्क है। तो गाइस चेक करो कि कौन सा वाला पार्क है, काफ़ी मस्त, और मुझे नाम नहीं पता कि कौन सा वाला पार्क है, बट कुछ व्यू इस तरह का भाई।
ओह माय गॉड, काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई। भाई यहाँ हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, खाना खाना खाते हैं, फिर जाते हैं डल लेक में शाम को। हमने गाड़ी यहाँ पार्क की थी बट अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर आए हैं, तो मैं मिलाता हूँ आपके छोटे सब्सक्राइबरों से। यार से हाय। हाय, कहाँ से हो तुम लोग? जम्मू से हो? कहाँ रुके हो? श्रीनगर रुके हो? तो यहाँ कहाँ आए थे? स्कूल है। अच्छा, तो गाड़ी देख के पता लगा। चलो थैंक यू। है सेकंड डे, क्या प्लान हो रहा है कि कहीं जाने का मूड बन रहा है। फिलहाल धूप काफ़ी ज़्यादा, हम लगता है कि कश्मीर के अंदर थोड़ा मौसम ठीक होगा बट यहाँ पे भी गर्मी नॉर्मली गर्मी हो चुकी है भाई। अब वो पता नहीं क्यों ये, अभी थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहे थे अंदर, तो फिलहाल हमने सोचा कि यार कुछ जगह चलते हैं, कहीं जगह चलते हैं, जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, देन उसके बाद कहीं पार्क वगैरह घूमते हैं। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं वापस, तो फिर घूमते हैं उसके बाद। सो भाई टाइम हो चुका है इस टाइम 6 PM, सो अभी मूड बन चुका है हमारा शिकारे का। अभी फिलहाल जा रहे हैं शिकारा में घूमने के लिए। ये देख रहे हो इस टाइम का व्यू कुछ इस तरह का होता है। देख रहे हो हाउस बोटिंग हो रही है, काफी शिकारा बोलते हैं इसे। पूरा अंदर ना एक बाजार है, वहां पे घूम के पुराना पड़ता है। हाउस बोट है, यहाँ पे आप रह सकते हो आराम से, यहाँ चिल कर सकते हो। मे बी आज ट्राई करते हैं कि अगर हाउस बोट मिल जाती है बेस्ट वाली, सो यहीं स्टे करेंगे। तो अंदर पूरा बाजार है, ये देख रहे हो, शाम को घूमेंगे ना, सो ये वाली जगह है। फोन गिर गया ना तो हो जाएगा काम। सो देख रहे हो हुक्का फ्लेवर बिकता है यहाँ पे। मार्केट के अंदर ना मतलब पूरी मार्केट, जो चीज मर्जी ले लो हर चीज मिलती है यहाँ से। रेस्टोरेंट ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जो चीज बाहर मिलेगी वो चीज अंदर मिलेगी। सो अभी हमें पूरा 1 घंटा घूमना है, तो पूरा वहां से घूम के आएंगे साइड तरफ। गाइस चेक करो, ये अपने अंदर का व्यू है कुछ इस तरह का। ये हाउस बोट है, यहाँ पे आप रह सकते हो आराम से। हर हाउस बोट का अलग ही नेम है। सो ये देख रहे हो हिदाया फुल ऑन मस्ती में। सो यहाँ पे आप रात को स्टे कर सकते हो, देन उसके बाद वो पूरी सामने मार्केट देखे तुम। सो जैसे हम डल लेक में है ना, सो यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा थी। सो यहाँ देख रहे हो भाई सर्कस लगवा एक मस्त वाला। फिलहाल कुछ इस तरह का एनवायरमेंट है यहाँ पे। अगर जाएंगे वहाँ पे देखते हैं भाई है क्या क्या। सो जाके देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा देख लो, लास्ट में आपको दिख रहा होगा वहाँ झूले वगैरह। सो वहाँ जाएंगे, अभी वहाँ चेक करेंगे ये है क्या पीछे यार। तो फाइनली गाइस अभी टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 10 PM, तो 10 बज गए आपके। सो हम आए इस टाइम डल गेट वाली साइड में, तो पीछे व्यू चेक करो गाइस, व्यू किस तरह का। तो इसने तंग कर दिया है ना, ये घूमती है ना ये घूमने देती है, कसम ये चाहती है सिर्फ रोड में जाए। ये देख रहे हो, देख रहे हो ज्यादा ना मशहूर कबाब ना, मैं हर बार जब भी आता हूँ सो वहाँ कबाब खाता ही खाता हूँ भाई। यहाँ पे कबाब से खाने के बाद ना, सो फिलहाल अभी जा रहे हैं रूम में वापस। सो देख रहे हो व्यू, यहाँ का व्यू चेक करो भाई, वाह। सो ये लाइटिंग देख रहे हो तुम, वाह कितनी मस्त लगती है भाई। तो कल सुबह फिर आपको आएंगे यहाँ पे, एक मस्त व्यू दिखाऊंगा। सो फिलहाल अभी चलते हैं रूम के अंदर। काफी डिसपॉइंट हुआ मैं कश्मीर पुलिस से। दिक्कत क्या थी भाई, 2-3 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे गाड़ी लगा के गया हूँ। सो फाइनली वहाँ तक गया था सिर्फ हिदायत को छोड़ने के लिए। भाई पीछे क्या किया उन्होंने भाई, टायर ही पंचर कर दिया इसको। उन्होंने सुहा मारा तो पूरा टायर ही बैठ गया भाई। पता नहीं सुहा किस साइड मारा हुआ है, बट लड़का बता रहा था कि उसने ना आगे जोर से ना एक चीज मारी हुई है जिससे टायर पूरा पंचर हो गया। जस्ट विद सेकंड के अंदर मैं सिर्फ यहाँ से गाड़ी लगा के वहाँ को बिठाने गया हूँ सिर्फ हिदायत को। सिर्फ मैंने सोचा कि हिदायत को बिठाओ, पीछे से पुलिस आती है सो ये पंचर करते हैं भाई। ये हाल है कश्मीर पुलिस का। कश्मीर में इतना क्राइम है, सच में बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से, ना डरूंगा। तो किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में इसलिए क्राइम ज़्यादा है क्योंकि भाई यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है। तो मैं फुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के लिए भाई। कम से कम एक वार्निंग दे देना तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम गलत कर रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं, बताओ कि भाई गाड़ी यहाँ पार्क मत कर रही है। मैंने पार्क तो की नहीं थी भाई, 2 सेकंड के लगाई थी गाड़ी। अभी तो मैंने हिदायत को भेज दी है किसी के साथ, तो फिलहाल वो वहाँ पहुँच गए रूम में, अभी करते हैं इसका इलाज कोई। यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे ना जो रेडियन लगते हैं ना, सो उनको भी ज्यादा तंग किया जाता है इस जगह पे, तो यहाँ पे भी काम शाम कोई करने देते नहीं। सो कुछ इस टाइप का लगाते हैं तो फिर भी तंग किया जाता है। फिलहाल गाड़ी के, मेरी गाड़ी के साथ उन्होंने ऐसा किया तो भाई ये दिक्कत नहीं है, मैं 2 मिनट में टायर चेंज कर लूंगा, वो दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट कम है तुमसे, कम से ना तुम्हें वार्निंग देनी चाहिए, उसके बाद तुम अगर टायर पंचर कर दो ना सो वेल एंड गुड रहता है भाई। सो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, तो फिलहाल यार बड़ा ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ के लिए। अब मैं छोटी सी चीज़ के लिए कुछ हंगामा करूँ वो चीज़ अच्छी लगती है। तो फिलहाल देख रहे हो भाई, तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया जा रहा है यहाँ पे, वो लगती है उन्होंने सब जगह से बोरा फेंक दिया यहाँ से। ये एक किस्म की ना गुंडागर्दी बोलते हैं भाई। काफ़ी अफसोस होता है मुझे कि ये चीज़ कश्मीर के अंदर ऐसे होगी, मुझे सोचा नहीं था कभी।
तो भाई आज मॉर्निंग के टाइम है भाई, अभी हम हैं गुलमर्ग में। सो मैंने सोचा कि यार अगर इस टाइम बैठा हूँ तो मैं बताऊँ कि बैठा कहाँ पे हूँ। सो डाउन टू अर्थ लोग हम लोग, तो भाई जमीन में बैठे हुए इस टाइम। तो बात एक ना बड़ी सारी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि भाई व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे। मैंने व्लॉग काफ़ी देर से बना के रखा हुआ है, बट अपलोड करने जा रहा हूँ तो नेटवर्क का इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी जगह टावर ही मस्त वाले टावर नहीं है भाई, वाईफाई नहीं मिल रहा, उसकी वजह से ना प्रॉपर व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा। कि फर्स्ट जिनके नाम लेने थे तो उनके नाम ले लेता हूँ, क्योंकि बड़े प्यार से लोग मैसेज करते हैं और नाम लेने के लिए बोलते हैं, तो अच्छा लगता है कि मैं उनके नाम ना लूँ। सो भाई फर्स्ट जो वाला है वो है चुनाव व्लॉग से, उन्होंने बोला था कि नाम लेने के, उन्होंने पर अपना नाम चेंज किया, उन्होंने कहा था मनन किचलू, तो इन्होंने कहा था मेरा नाम ले लेना। देन उसके बाद अपना था नदीफ रफीक, इन्होंने कहा था नाम लेने की है, तो देन उसके बाद बोला सचिन की दुनिया, इन्होंने कहा था भाई इनकी दुनिया अलग है, इन्होंने कहा था कि मेरा नाम ले लो। देन उसके बाद केशव शर्मा भाई, उनका नाम लेने के लिए कहा था। उसके बाद कार्तिक सिंह, तो इन्होंने कहा था नाम लेने के लिए। देन उसके बाद फिर अपना मोमिन निसार व्लॉग्स, इनके चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो जाके। सो प्लीज माई नेम रोहित बट्टी, तो और भी काफ़ी सारे नाम है भाई, अपने कश्मीर से हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है। एक्स यूसु ऑफिशियल, ये भी है कोई। उसके बाद और भी भाई काफ़ी सारे नाम है जो रह गए हैं, वो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बात करूँ व्लॉग जो आपने देखा है उसका क्या दिक्कत हुई थी, कि भाई मैंने गाड़ी ना कुछ देर के लिए पार्क की थी वहाँ पे, कुछ देर के लिए नहीं, विद इन सेकेंड के लिए, मतलब कुछ एक मिनट के दो मिनट के लिए। तो ये नहीं थी कि मेरी गाड़ी वहाँ पे कोई रात की खड़ी थी या सुबह से खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि दाया कुछ लेके दे देता हूँ वहाँ से, तभी तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ना वहाँ पे सडनली वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, तो गाड़ी को ना पंचर करके चले जाते हैं। बाद ना मैंने फिर गाड़ी का टायर चेंज किया, देन उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हुई। उसके बाद बस ये था, मुझे इस बार दुख ये हो कि अगर वो एक बार बोल देते ना, मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने टायर पंचर कब किया और कब निकले। इतना मुझे पता कि वो गाड़ियाँ वहाँ से साइड करने के लिए बोल रहे थे, पर उन्होंने टायर पंचर किया, मुझे पता नहीं चला कि टायर कब पंचर हुआ। सो कोई दिक्कत नहीं भाई, हो सकता है मेरी गलती हो वहाँ पर, तो मैंने इसलिए चलो लिमिट बात हुई अभी। तो फिलहाल आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो प्लस राइड नो करके नेक्स्ट व्लॉग गुलमर्ग का आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बाकी सब्सक्राइब कर दो। बाय, लव यू कश्मीर, बाय बाय बाय।